बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम देखने वालों को अपने YouTube चैनल शाहिद इन्फो पर खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो है बी फोर जियो अकाउंट के हवाले से कि हम किसी भी बैंक का अकाउंट अपने बी फोर जियो अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे अकाउंट में बी फोर जियो अकाउंट की तमाम डिटेल शो हो रही है और अकाउंट डिटेल जो बैंक की है नीचे, ये बिल्कुल खाली है। अभी मैंने कोई अकाउंट ऐड नहीं किया, तो यही हम डिटेल ऐड करना सीखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को आपने आखिर तक पूरा देखना है। तो हम थ्री डॉट पर जाएंगे और उसके बाद नीचे अपडेट प्रोफाइल की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट ये डिस्प्ले आएगा, तो यहां से हम थोड़ा सा स्क्रीन को मूव अप करेंगे तो नीचे ये ऑप्शन शो होगी, एडिट अकाउंट इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर मेरी जो डिटेल है वो पहले ही ऐड है, ईमेल मेरा वेरीफाई है, फोन नंबर में जो मेरा अपडेट है, नीचे हमने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल एंटर करनी है। कंट्री सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, मैं पाकिस्तान से हूं तो मेरी पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके नीचे ऑप्शन है बैंक नेम की, तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ये डिस्प्ले आएगा आपके सामने, यहां पर आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आपने उस बैंक का पहला लफ्ज लिखना है तो आपके सामने वो बैंक शो होगी। जैसे मैंने अभी एच लिखा है क्योंकि मेरा एच बी एल में अकाउंट है, तो नीचे ऑप्शन शो हो रही है हबीब बैंक, तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा हबीब बैंक की। बैंक ऐड हो गई है हमारी और उसके नीचे ये तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है अकाउंट टाइटल और उसके नीचे बान नंबर है और उसके नीचे फोन नंबर है। अकाउंट टाइटल आपने लिखना है, जिस नाम का अकाउंट है वो नाम लिखेंगे, उसके नीचे इबान नंबर है, ये आपका अकाउंट नंबर ही है। अगर आपको अपना इबान नंबर नहीं पता तो जो चेकबुक है उसके ऊपर होता है, वहां से आप देख सकते हो, अपने मुतलका बैंक से अपना इबान नंबर हासिल कर सकते हो, हेल्पलाइन से भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास अपना मोबाइल ऐप है बैंक का तो वहां से भी आप ऐप से भी अपना इबान नंबर देख सकते हो, वो एंटर करना है। उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, ये तीनों चीजें एंटर करनी है आपने। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तमाम डाटा एंटर कर लिया है, बड़ी एहतियात के साथ आपने लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तमाम डाटा एंटर करने के बाद हम नीचे ऑप्शन है जो अपडेट इंफॉर्मेशन, इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो देखें दोस्तों, ऑप्शन शो हो रही है यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी जो भी डाटा हमने एंटर किया वो कामयाबी से ऐड हो गया है। और अब आप देख सकते हैं अकाउंट डिटेल के नीचे जो मैंने तमाम डाटा एंटर किया, बैंक भी शो हो रही है, अकाउंट टाइटल, इबान नंबर और मोबाइल नंबर, जो सब डाटा है वो मेरा एंटर हो गया है। अब हम जब भी अपने बिफोर यू अकाउंट से विड्रा लेंगे, जो भी बैंक हमने लिंक किया है हमारे उस अकाउंट में, वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।